बाल हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इससे ना सिर्फ हमारा ओवरऑल लुक डिसाइड होता है कि हम कैसे दिखते हैं, ये हमारे स्कैल्प को भी प्रोटेक्ट करता है और हम भी अपने बालों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, मगर फिर भी हमारे बालों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है। वो वीक हो जाते हैं, वो पतले हो जाते हैं, ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम होती है, डैंड्रफ हो जाता है, इची स्कैल्प हो जाता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम अंकित। सो इन टुडेज वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द हेयर केयर मिस्टेक्स दैट वी यूजुअली डू एवरी सिंगल डे। हम हर चीज ट्राई करते हैं अपने बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, मगर जाने अनजाने हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। सो इस वीडियो में मैं उनमें से कुछ गलतियों के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और उन्हें आप कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी मैं बताने वाला हूं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बिफोर वी बिगिन, इफ यू आर न्यू हियर, कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हम जब कभी भी जल्दी में होते हैं और हमें अपना हेड वॉश करना होता है तो हम अपने स्कैल्प के साथ इतना ज़्यादा हार्श हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि वो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। हम जब कभी भी हार्श तरीके से अपना हेड वॉश करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी नहीं होने वाला है, बट द रिजल्ट इज़ हमारे हेयर फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं, हमें हेयर फॉल के इश्यूज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। सो टू फिक्स दिस इशू व्हाट यू नीड टू डू इज़ आपको जल्दबाजी में अपना हेड वॉश नहीं करना है, धीरे धीरे फिंगर टिप की मदद से अपने स्कैल्प को अच्छे से वॉश करिए। जब आप धीरे धीरे मसाज करते हैं अपने स्कैल्प की तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, जिससे आपके बाल हेल्दी स्ट्रॉन्ग और आपके हेयर फॉलिकल्स भी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और नए बाल थिक और हेल्दी ग्रो होंगे। हम में से बहुत सारे लोग धूल मिट्टी में काम करते हैं एवरी सिंगल डे। धूल मिट्टी में काम करने से हमारे सर पे पसीना आता है, खुजली होती है और हमें ऐसा लगता है कि हमें अपना सर एवरी डे वॉश करना चाहिए, बट क्या आपको पता है ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। अगर आप अपने बाल एवरी डे वॉश करेंगे तो आपके बालों में पाया जाने वाला नेचुरल ऑयल वॉश ऑफ हो जाएगा, जिससे आपके बाल डल हो जाएंगे, आपके बालों की शाइन खत्म हो जाएगी, आपके बाल ड्राई हो जाएंगे और आपको इची स्कैल्प और डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो टू फिक्स दिस इशू व्हाट यू नीड टू डू इज़ आपको अपने बाल एवरी डे वॉश नहीं करने हैं, लेट इट बी डर्टी। आप ऑल्टरनेट डे या फिर वीक में मैक्सिमम दो बार अपना हेड वॉश कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप मत करिए, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा हेयर की प्रॉब्लम्स होने वाली है। जैसे हम हेल्दी खाना खाते हैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, हमारे बालों को भी हेल्दी खाना चाहिए होता है। मैं रोटी सब्जी या दाल चावल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बालों का खाना यानी कि ऑयल एंड एग्स। वीक में आपको मिनिमम एक बार अपने बालों पे ऑयल से मसाज करनी ही चाहिए। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप आर्गन ऑयल यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लीजिए और रात को आप मसाज कर लीजिए या फिर शैम्पू करने से एक घंटा पहले आप मसाज कर लीजिए। ऑयल मसाज हेल्प्स टू ग्रो योर हेयर फास्टर, आपके बालों में जो नेचुरल ऑयल खत्म हो चुका होता है वो उसको वापस लाने में काफी हेल्प करता है, प्लस आपके बाल हेल्दी और थिक हो जाते हैं। एंड आप महीने में एक बार एग मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों में, अगर उनको आप अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एग इज फुल ऑफ प्रोटीन, इट इज वेरी न्यूट्रिशियस टू आवर बॉडी एज वेल एज योर हेयर। आप एक एग लीजिए, उसके अंदर आप एक चम्मच कोकोनट ऑयल मिलाइए, इसको अच्छे से एक पेस्ट बनाइए। आप अगर योग निकाल देना चाहते हैं इट्स कम्प्लीटली फाइन, अगर आप योग भी मिक्स कर देंगे देन इट्स ऑल्सो फाइन। उसके बाद आप अपने बालों पर अच्छे तरह से अप्लाई करिए, लीव इट फॉर 20 मिनट्स और 20 मिनट्स बाद आप अपने बाल अच्छे से शैम्पू कर लीजिए। आपको इमीडिएट फर्क पता चलेगा, आपको लगेगा कि आपके बाल हेल्दी हो चुके हैं, शाइनी हो चुके हैं, उनमें जितना भी नेचुरल ऑयल या फिर इतना भी रूखापन था वो सारा का सारा चला जाएगा। ये मिस्टेक्स हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। हम सुबह सुबह जल्दी में होते हैं, शैम्पू करते हैं मगर उसको अच्छे से निकालते नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि शैम्पू निकल चुका है बट स्टिल शैम्पू आपके स्कैल्प में आपके बालों की जड़ों के पास रह जाता है और जब भी आप घर से बाहर जाते हैं इस कंडीशन में तो वो डर्ट और धूल मिट्टी को अट्रैक्ट करता है, जिससे कि आपके बाल और जल्दी गंदे हो जाते हैं। प्लस शैम्पू में इतने ज़्यादा हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो कि आपके हेयर और स्कैल्प के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू शैम्पू मेक श्योर आप अपने बालों से पूरा का पूरा शैम्पू वॉश ऑफ करें। दिस इज़ वेरी कॉमन, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस बहुत कॉमन है, चाहे वो पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो। स्ट्रेस स्टॉप्स योर हेयर ग्रोथ एंड इंक्रीजेज योर हेयर लॉस, सो स्टॉप टेकिंग स्ट्रेस। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो वॉट यू कैन डू इज आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। यह आपको मदद करेगा थोड़ा सा स्ट्रेस को रिमूव करने में। ये चीज़ें आपकी ओवरऑल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है।
ब्लो ड्रायर्स आजकल सबके पास हैं। जब कभी भी हमें जल्दी होती है हम ब्लो ड्रायर से अपने बाल सेट करते हैं, बट अगर आप एक्सेस में ब्लो ड्रायर यूज करेंगे तो उसकी हीट से आपके बालों में मौजूद जितना भी नेचुरल ऑयल है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, जिससे आपके बाल ड्राई हो जाते हैं और आपको हेयर फॉल के इश्यूज काफी हो जाते हैं। तो आप मीडियम हीट पे ब्लो ड्रायर यूज करिए और ब्लो ड्रायर और आपके बालों के बीच में कम से कम 5 इंच का गैप होना चाहिए। और हम अपने बालों को अलग अलग स्टाइल देने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि प्रोडक्ट कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। वो लोग प्रोडक्ट्स को स्कैल्प पे अप्लाई कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको प्रोडक्ट अपने बालों पे अप्लाई करना है और एक लिमिटेड क्वांटिटी में अप्लाई करना है। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आपके बालों को डैमेज कर सकता है, प्लस आपको प्रोडक्ट स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना है, दैट विल डैमेज योर हेयर ऑल्सो। सो गाइज, ये थी कुछ मिस्टेक्स जो कि हम एवरी सिंगल डे करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अपने बालों के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर फिर भी हमारे बाल वीक, रूखे, डैंड्रफ के इश्यूज, इची स्कैल्प, ग्रे हेयर, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो इफ यू आर डूइंग दिस मिस्टेक्स, प्लीज स्टॉप डूइंग इट राइट नाउ। जो भी मैंने सॉल्यूशंस बताए हैं उनको प्लीज अप्लाई करिए, आपके बाल काफी अच्छे हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर रहेगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ लाइक, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।